Absolutely fantastic that we have reached the 22nd year of ITA, and the best part of ITA is that ITA is the platform that obviously created a lot of opportunities for a lot of actors from television, but also created that platform which gave the status to television that it deserved. So it's been 22 years and it has been growing very, very strongly and steadily. तो आज 22 साल हो गए हैं, विच इज़ अ वेरी 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 इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल थिंग, आई थिंक इनक्रेडिबल अचीवमेंट. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस 22nd ITA अवार्ड्स. देखिए, अनुपमा 2 साल से नंबर 1 पे चल रहा है. इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड. वी हैव एवरीबडी डज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. हर शो में हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, सारे टेक्नीशियन सब उतनी ही मेहनत करते हैं, बट क्योंकि हम नंबर 1 पे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड कि हमको वो स्टेटस मिला हुआ है 2 साल से. और मैं भगवान से यही चाहूँगा कि आगे भी ऐसा रहे. और आज अवार्ड मिलता है या जो भी होता है, दैट इज़ ऑल, इट्स ऑल अ बोनस. एंड आई थिंक इट्स अवार्ड, आई ऑलवेज से अवार्ड्स आर ऑलवेज रिवॉर्ड्स फॉर एवरीबडीज हार्ड वर्क दैट यू पुट इन. सो आई होप वी गेट रिवॉर्डेड टुडे. मैं तो बाँ बहू बेबी से बहुत अवार्ड इनके लिए दिए हैं, और ITA अवार्ड शशि रंजन, और दोनों बहुत अच्छे इवेंट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कलाकारों को. और कलाकारों के लिए ये ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उसका प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए. मैं तो अभी बहुत बरस हो गए मुझे, अब मैं बाँ बहू बेबी से काम कर रही हूँ, तितलियाँ से काम कर रही हूँ, तो बहुत खुशी होती है. मैंने बहुत अवार्ड ले चुकी, पर आज वापस नॉमिनेशन में हूँ तो खुशी होती है कि मेरा दर्शक अभी भी मुझे प्रोत्साहन और अप्रिशिएट कर रहा है. थैंक यू. अरे शशि रंजन, आहू रंजन के लिए मैं यही कह रही हूँ कि उन्होंने जो इतने बरसों से ये इवेंट शुरू किया था, तब से अभी तक चालू रखा है, कलाकारों को प्रोत्साहन दे रही है, बहुत बड़ी बात है और ये ज़रूरी भी है. Hey, things go in our favor. Best music. Best music. Same with your partners. Yeah. Well, I think it's वो अच्छा ही लगता है यार, किसको पसंद नहीं है यार recognition, काम का recognition. तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है. 22 साल एवरी ईयर रिलीजियसली इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना, एंड पूरी ITA टीम, खास तो शशि जी, अनु जी को अभिनंदन देना चाहूँगा कि इतने सालों तक रिलीजियसली वो इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. और अवार्ड्स एक्टर्स को, नए एक्टर्स को एक अलग प्लेटफॉर्म देता है, एक अलग मोटिवेशन देता है, तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर एक्टर्स एज वेल. मेरी 22 साल हो गए ना, मुझे याद है ये पहली बार भी हुआ था, तब भी मुझे याद है, शायद मैं गया था नहीं गया था मुझे नहीं पता. उन दिनों सीरियल खूब ज़ोर से करता था, और ये बहुत बहुत ही बड़ी बात है. अनु जी और शशि रंजन को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई. 22 साल सफलतापूर्वक उन्होंने बिताए हैं. अगला ITA अवार्ड है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री. शुरू हुआ तब से आज तक मैं हूँ, जब जिस दिन से शुरू हुआ था उस दिन से हूँ. हमको सुनाई कम पड़ता है. शशि और अनु की प्रयास है, अथक परिश्रम है उनका. ये तो मेरे मैंने सूरज को आप कह रहे हैं कि दिया दिखाओ, दिया ऑलरेडी दिखा चुके हैं वो लोग. और आज से नहीं, 22 साल है ये, मैं पहले साल से हूँ और मुझे मालूम है इट वॉज टू हार्ड टू कंटिन्यू थ्रू आउट दिस ईयर एंड इट इज़ दियर ब्रेवरी
I'm very happy to come here. I normally don't like attend award functions, but Krishna is hosting today, so I have come here for him, and very excited. Well, I'm excited, obviously. Every time that my husband hosts any kind of award, I'm excited and nervous because he always makes fun of me. No, not at all. Why would that be my dream? To host an award show with Krishna? I thought, no, not at all. I mean, I have other dreams. But, well, the list is very, very long. But to host an ITA Awards is not my dream, I think. It's a beautiful dream for people that are good at it. I don't think I'm going to be good at it. Sir, excited to both. Ek to 22 saal, matlab vayaska ho gaya ITA hamara. और दूसरी बात ये है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 15 साल पूरे हो चुके हैं और हम लोग इतने एक्साइटेड हैं कि आगे भी आप लोगों का ऐसा ही प्यार हमें मिलता रहे और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें. थैंक यू सो मच. सेकेंड ईयर आईटीए का बिग बिग कंग्रेचुलेशंस टू अनु मैम, शशि सर, द एंटायर टीम ऑफ आईटीए. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आल्सो परफॉर्मिंग, सो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. बहुत खुश हूँ मैं एक्चुअली. जब मुझे पता था तो आई हैड टीयर्स इन माय आईज, मैं इमोशनल हो गई थी और काफी लोगों ने मुझे बोला सो बहुत अच्छा लग रहा है यार. मतलब मैं तो प्रे करूंगी हमारे रिश्ता मेरा शो था, मेरा परिवार था और हमेशा रहेगा, और उसे अगर अवार्ड मिलेगा तो मुझे दुगनी खुशी होगी. मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कंप्लीट कर लिया है 4000 एपिसोड, बिकॉज आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैंने 3000 प्लस एपिसोड सेलिब्रेट किया था तो सब कितने खुश थे, तो अभी तो खुशी उनकी और बढ़ गई होगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है. लगता है क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि एक आर्टिस्ट यही चाहता है कि उसका शो, उसका काम एक्नॉलेज हो, सराहा जाए, उसके फैंस, उनके ऑडियंस सराहे शो को और आर्टिस्ट को भी. तो जब ऐसा सुनने में आता है या ऐसा पता चलता है जब शो अच्छा कर रहा है, जैसे टॉप 5 में आना या ये नंबर्स पता चलना, तो अच्छा ही लगता है. पूरे यूनिट के लिए अच्छी चीज़ होती है क्योंकि सिर्फ हम तो सिर्फ फेसेस हैं, लेकिन हमारे पीछे इतनी बड़ी मशीनरी है, इतने सारे लोग हैं कि जैसे प्रोड्यूसर से लेकर राइटर से लेकर डायरेक्टर से लेकर कैमरामैन, हमारी सारी टीम इतनी मेहनत करती है. तो जब ऐसा कुछ सुनने में आता है तो उन सबके मुंह पे जो एक स्माइल होती है, वो स्माइल देखने में हमें और मेहनत, इसलिए मेहनत करने में हमें और प्रोत्साहन मिलता है. ऑलमोस्ट 20 इयर्स नाउ, सो आई थिंक आई बीन अ पार्ट ऑफ द जर्नी थ्रू आउट, सो आई रियली फील प्राउड ऑफ यू नो द वे दे हैव ग्रोन, द वे द ग्रैंडियर हैज बिकम सो बिग, एंड विद टेलीविजन, वेब, एवरीथिंग, इट जस्ट फील्स नाइस फॉर आवर कम्युनिटी टू बिकम बिगर एंड बिगर एवरी डे. No, I'm not nominated, but I think I'll be just presenting an award, and it's just nice. It's nice to be here. It always feels home to be here. बिल्कुल नहीं कर रही. इसके लिए तो मैं बिल्कुल prepared आई थी. मैं Big Boss बिल्कुल नहीं देख रही, तो मुझे कुछ नहीं पता. Oh, thank you. In general, I think I get a lot of love, and I'm really thankful about it, and. बस यार काम करें, अपना घर देखें, एंड दैट्स अबाउट इट. यस, आई एम डूइंग वेब शोज, मेरे दो वेब शोज अभी कल ही मैंने, परसों मेरा वेब शो का सेकंड वेब शो का भी रैप अप हुआ है, एंड आई थिंक इन दिस कमिंग ईयर यू विल बी सीइंग टू ऑफ माय वेब शोज, एंड आई एम रियली एक्साइटेड. आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट ऑडियंसेस आर नाउ एक्सेप्टिंग ऑल काइंड ऑफ कॉन्टेंट, एंड देर इज सो मच वर्क हैपनिंग नाउ फॉर एवरी आर्टिस्ट, वेदर इट इज़ अ राइटर और अ डायरेक्टर और एन एक्टर. आई थिंक देर इज सो मच वर्क, एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट वी आर इन दैट पोजिशन नाउ वेयर वी कैन पिक एंड चूज आर सॉरी स्क्रिप्ट दैट वी लाइक. सेकंड मार्क.
मैम ये कैमरा सेंटर मैम लेफ्ट साइड है जस्ट ऑडियो दिस कैमरा मैम यहां पे मैम अरे इधर पीछे पकड़ा कर यहां पे लेंस पे उसको क्यों पकड़ रहा है किसको बोलते हैं जो मिल बोलना पड़े समझा प्रदीप भाई यहाँ पे ये कैमरा सेंटर थैंक यू वेरी मच और मैम यहाँ पे ये कैमरा मैम यहाँ पे अभिषेक विजय यहाँ पे सेंटर सेंटर यहाँ पे सर मैम सर सर इधर इधर सर आपके लेफ्ट में सर सर यहाँ पे सर वन मोर चरण सर यहाँ पे सर सेंटर सेंटर कैमरा सर सेंटर कैमरा अरे वो बता मेरे को क्या और अभी रुका पे अनिकेत जीतू सर सामने आके सर सेंटर बगल में सलिया है नकुल मेहता और उसकी वाइफ हमारी किस्मत अच्छी है कि हमने खेला नहीं रुक जा इसको चल जाने दे ये सिंगल कार्ड यूज कर रहा है हाँ गिविंग की सेंटर हम तो मैम यहाँ पे समोर सेंटर सेंटर मैम सेंटर जिस कैमरा यहाँ पे सेंटर ऊपर या ये कैमरा अरे यार भाई ये कंट्रोल उधर हमारे मनोज रघु पाटिल मैम यह सेंटर 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 खत्म हो गए बहुत बहुत धन्यवाद प्यार मैडम मैं बॉम्बे आया था
उमा जी यहाँ पे सेंटर 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 इधर ऊपर उमा जी यहाँ पे उमा जी उमा मैम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेंटर सेंटर विशाल अली जी यहाँ थैंक यू अली जी।